तो ये दिक्कतें परेशानियां पैसा आने से खत्म नहीं हो जाएंगी। अगर किसी को ऐसा लग रहा है डॉलर आने से मेरे जीवन में दिक्कतें परेशानियां खत्म हो जाएंगी, नहीं होगी। हर समस्या की जड़ पैसा ही नहीं है, हर तरह की प्रॉब्लम आपका पैसा ही सॉल्व नहीं करेगा। आपका माइंडसेट, आपका माइंडसेट किस तरह से है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अपने माइंडसेट को हमने डेवलप करना है और वो एक दिन में नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे करेंगे, सब लोग मिलजुल कर करेंगे, ठीक है। मेरा कोई भाई भटक जाता है, वो नहीं उसे रास्ता समझ में आ रहा है, वो उसे शॉर्ट टर्म विजन ही समझ में आ रहा है, उसे अभी आज की जरूरतें दिख रही है, उसे भविष्य की जरूरतें नहीं दिख रही है, ठीक है। अगर आज हमारी स्थिति क्रिटिकल है तो भविष्य में क्या होगी, इट विल बी मोर क्रिटिकल, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, हमारे पास हमारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं है। एंड मिस्टर एश इज वर्किंग फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया, पूरी ह्यूमैनिटी के जितनी तरह की, जो जिस भी तरह की हेल्थ की समस्या है, पैसे की समस्या है, इसकी समस्या है, उसकी समस्या है, ये जो आपको ऑन पैसिव इकोसिस्टम के समाधान के लिए तैयार हो रहा है जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन इट विल टेक टाइम, हाउ मच नोबडी नोज। अब कोई पूछता है कब होगा, मैं कैसे बता सकता हूँ भाई कब होगा, आई एम नॉट एग्जीक्यूटिंग इट, आई एम जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। और पार्ट ऑफ इट भी कहा, बीटा टेस्टर हूं भाई मैं, मेरे साथ ये टेक्नोलॉजी टेस्ट की जा रही है, मुझे इसकी ताकत पता होनी चाहिए। और जब मुझे इसकी ताकत पता होगी तो मुझे ये डेफिनेटली पता होगा कि मेरा फ्यूचर स्ट्रांग है, मैं एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ चुका हूँ जो सिस्टम मुझे, मतलब भविष्य में मुझे किन्हीं किन्हीं, मतलब विकट परिस्थितियों में भी अगर मैं रहता हूँ तो उसका उसका एक सॉल्यूशन हमारे पास है। तो वी आर वर्किंग ऑन सॉल्यूशंस, यही आज के मन की बात में हम बेसिकली आप सभी के साथ शेयर करना चाहते थे। और हम चाहेंगे कि आप लोग भी अगर अपनी बात यहां से रखना चाहते हैं वन बाय वन, मैं आप सभी का भी स्वागत करूंगा। अजीजुर भाई अगर अवेलेबल हैं तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा इफ ही कुड टेक द रोल ऑफ को होस्ट। अजीजुर भाई आप हैं क्या? देखिए समस्याएं सबके पास है, समस्याओं का इलाज क्या है हमें उस पर फोकस करना होगा। समस्या समस्या मतलब समस्या पे अगर हम और समस्या जोड़ेंगे और समस्या जोड़ेंगे और समस्या जोड़ेंगे तो वो मतलब विकट समस्या बन जाएगी, फिर हम उससे कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। सॉल्यूशन क्या है आपके पास, कोई सॉल्यूशन? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी तन्मयता से हमारे साथ जुड़ते हैं। मेरे यहाँ लाइट भी जा चुकी है, सेशन आई डोंट नो कितना लंबा हम इसको पुल कर पाएंगे, बट फिर भी अपनी तरफ से हमारा अतुल्य भारत के मन से आप सभी भारतीयों के साथ मिलकर ये प्रयास रहता है कि एटलीस्ट हम कोई भी भारतीय, जितने भी भारतीय हम यहाँ पे अवेलेबल हैं, हम इतने बड़े मिशन विजन में कहीं मिस्टर ऐश के लिए किसी तरह की परेशानी का सबब ना बने, उनको किसी तरह का दिक्कत हमारी वजह से ना हो, और पूरी दुनिया ये ना कहे कि देखिए यार ये इंडियंस है पैसों के लिए साले रो रहे हैं मर रहे हैं। हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, रोने मरने से या नेगेटिविटी करने से तो पैसे मिलने वाले नहीं है, ये तो जब व्यवस्था होगी जब सिस्टम बनेगा तो सबको मिलेंगे, होता है कि किसी भी कोने में हो। तो अगर हम आज यहाँ पे रोकर अपनी व्यथा सुनाकर या अपने 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 मतलब पैसे मिलेंगे ना, नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी, कहते हैं ना ये कहावत है। तो पैसों के पीछे मत भागिए, पैसे आपके पीछे भागेंगे और बहुत जल्द ये भाग रहे हैं। अब वो जल्द कितना है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट यहाँ सारे बहुत सारे ज्ञानी हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो लोग उनको बरगलाते हैं, उसके बावजूद भी लोग वहां पे डका डक जाते जा रहे हैं। तो भीड़ का हिस्सा है वो भीड़ का हिस्सा है, उनका शॉर्ट टर्म विजन है। यहाँ इनक्रेडिबल इंडिया के साथ जो जुड़े हैं ना, यही लोग आपको आने वाले टाइम में ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हुए दिखेंगे, यही लोग आपको ऑन पैसिव के सच्चे सिपाही में काम करते हुए दिखेंगे। बाकी सब लोग छोटे छोटी उनकी रेस है, छोटी उनकी दौड़ है। और जहाँ पे क्वालिटी काम हो रहा था ना, जहाँ क्वालिटी पीपल्स होते हैं, कल मदन मोहन शर्मा जी ने हमारे साथ शेयर किया कि यहाँ पे क्रीम काम कर रही है, तो ऑब्वियसली मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मायने में कहता हूँ और मुझे गर्व होता है कि इस मंच का मैं हिस्सा हूँ। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एक बड़ी भावना के साथ काम कर रहे हैं, हमारे शॉर्ट टर्म विजन नहीं है। मैंने ये कहा था वैसा ही ऐश ने बोला, दैट इज नॉट मेरा मकसद ही नहीं है वो। और मैं कौन होता हूँ, मेरी और ऐश का कोई कंपैरिजन है क्या? या फॉर दैट मैटर पूरे वर्ल्ड में, देखिए मिस्टर ऐश कहते हैं कि मैं आप सभी की तरह हूं, बिल्कुल आप सभी की तरह हूं, लेकिन कुछ चीजें मुझमें अलग हैं, और वो है पॉसिबिलिटीज। वो पॉसिबिलिटीज पे वर्कआउट करते हैं, वो फेंकने में विश्वास नहीं करते, वो शॉर्टकट में विश्वास नहीं करते। एंड ही इज गोइंग टू चेंज द एंटायर वर्ल्ड, उन्होंने कहा है तो ये होगा, कोई नहीं रोक सकता।
तो अपने अपने आप को हम जितना स्ट्रेंथन करेंगे ना, अगर हम अभी इंतजार करेंगे यार मार्च में कुछ हो जाएगा, फिर मार्च में नहीं हुआ, फिर अप्रैल में कुछ नहीं हुआ, फिर मई में कुछ नहीं हुआ, फिर हम बोलेंगे यार ये तो कुछ कर नहीं रहा है बैकएंड पे, तो हम नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं अगर हम हमारा शॉर्ट टर्म विजन होगा। शॉर्ट टर्म विजन वाले और जो भीड़ का हिस्सा बन के चलना चाह रहे हैं आप उनको वहां पे चलने दीजिए, और अगर आप इनक्रेडिबल इंडिया के साथ हाथ मिलाकर चलना चाहते हैं, उनके साथ चलना चाहते हैं और आप मतलब भारत की मतलब भारतवर्ष को मतलब सम्मान दिलाना चाहते हैं, ठीक है, अपनी पूरी कम्युनिटी में आप देखिएगा हम बाहर जितने भी आप देखते होंगे जब हम मिस्टर आयश के साथ जुड़ते हैं, चाहे हम 360 पे जुड़े या ओ मीनू पे जुड़े या कहीं पे भी जुड़े, आप देखिए कितने भारतीय वहां होते हैं, कितने भारतीय वहां मौजूद हैं। अगर ये सारे इंटेलेक्चुअल है, ये साथ उठते बैठते हैं मिस्टर आयश के साथ, तो ये वहां क्यों नहीं है मौजूद? भारतीय वहां पे मौजूद है, एक 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 सिंगल भारतीय मौजूद होता है वहां पे, नीरज दलवी जी, उनके सिवा कौन मौजूद है वहां पे? ये हमारी अपनी अपनी कमियां हैं, अपनी कमियों की वजह से, ठीक है, और हम एक आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। भी किस चीज की प्रतिस्पर्धा? एक मिशन है, विजन है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, और अगर आप कहीं कुछ गलतियां कर रहे हैं, अगर हम आपको समझा रहे हैं तो वो आपके बेटरमेंट के लिए समझा रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए समझा रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म गोल अचीव करना, मेरे पास 500 आदमी आ गए वो कनेक्ट पे, मैंने 1,000-10,000 व्यूज ले लिए यूट्यूब पे, ये तो शॉर्ट टर्म गोल्स है भाई। 7.8 बिलियन की पॉपुलेशन बैठी पड़ी है, वो बेवकूफ नहीं है, यहाँ बेवकूफ लोग ही नहीं आएंगे सारे, यहाँ मूर्ख लोग ही नहीं जुड़ेंगे सारे, तो समझदार और मूर्ख में उतना सही फर्क है। मूर्ख का विजन बहुत शॉर्ट होता है और जो समझदार है वो लॉन्गर विजन से काम करता है, और आप सभी लोग अगर जुड़े हैं यहाँ पे डेफिनेटली आप एक समझदार कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके आसपास कहीं कोई इस तरह का संशय फैलाते हुए, कोई शॉर्ट टर्म विजन को करते हुए, कोई अपना मतलब शॉर्ट टर्म विजन को लेकर आप सभी को टेम्पर करने की कोशिश करता है, तो आप स्ट्रांग हो। इनक्रेडिबल इंडिया का मकसद ये है, अतुल्य भारत का मकसद ये है कि आप स्ट्रांग हो, आपको कोई टेम्पर ना कर पाए, आपके पास हर तरह की जानकारी हो, आपको मालूम हो हम कहाँ पे आज स्टैंड करते हैं और हम किस दिशा में अब आगे बढ़ रहे हैं। सही जानकारी होगी तो मजा ले कोई आपको दूसरा आके बेवकूफ बना जाए, लेकिन अगर आप कुछ सीखेंगे ही नहीं, जानेंगे ही नहीं और सिर्फ उसी पे आत्मनिर्भर रह जाएंगे कि वही आपकी उंगली पकड़ के आपको चलाता रहेगा, तो वो फिर कठपुतली की तरह नचाते रहेंगे लोग आपको और आप नाचते रहेंगे, और फाइनली क्या होगा, एक दिन आपको डिच करके वो आगे निकल जाएंगे। तो माइंडसेट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने माइंडसेट पे फोकस कीजिए, और अगर कोई बंधु यहाँ पे अपनी शेयरिंग रखना चाहते हैं अपना हैंड रेस कर सकते हैं, मैं वन बाय वन म्यूट के ऑप्शन उनको देता रहूंगा। रमेश चौधरी जी का यहाँ हैंड रेज है, रमेश जी अगर आप अपनी बात हमारे बीच रखना चाहते हैं तो स्वागत है आपका, आप अनम्यूट कर सकते हैं, अपनी बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। रमेश चौधरी जी, रमेश जी अनम्यूट के ऑप्शन मैंने दे दिए हैं, तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात शेयर कर सकते हैं। चलिए रमेश जी को कोई दिक्कत मुझे लग रहा है आ रही होगी, नेक्स्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ओपन हो रही है, हाँ माइक तो ओपन हो गया, वीडियो तो ओपन है। हरदीप जी आप आइए, हरदीप जी आपको सर। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार सर, आप कैसे सर? बढ़िया, नमस्कार, एकदम फर्स्ट क्लास हरदीप जी। और आप लोगों को देखकर तो ऐसी एनर्जी आ जाती है कि जो एफिलिएटेड है जिसके बारे में आप इतना बोलते हैं कि थोड़ा बहुत अपने दो मीटिंग सेशन चल रहे हैं साथ साथ में, ये हमारे यशपाल जी भी बैठे हुए हैं, तो एज ए एफिलिएटेड सॉरी